अवर यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज की वीडियो होने वाली है एक कंप्लीट प्लम का हॉल, क्योंकि हुआ क्या कि अभी थोड़े दिन पहले ही प्लम का बर्थडे सेल लगा हुआ था, तो उसमें मुझे 1999 में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे थे एंड मैं काफ़ी टाइम से प्लम के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ एंड आई नो उनके प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैंने उनकी फ्रेग्रेंसेस, फेस वॉश, ये वो सीरम्स, कैंडल्स वगैरह सब कुछ ट्राई कर रखा है, तो आई नो प्लम के प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो सेल लगी थी और उस पर 1999 में काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिल रहे थे, तो मैंने डब्बा भर के प्रोडक्ट्स ले लिए। तो डब्बे मत जाना, डब्बा रवैनी का है, क्योंकि जो प्लम वालों ने पैकेजिंग भेजी थी इतनी बड़ी डब्बे में, वो डब्बा काफ़ी ज़्यादा हिल गया था, मतलब वो सामान कैरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने वो सारा सामान उस डब्बे में से निकाल के मेरे ये वाले कबर्ड कार्डबोर्ड में डाल दिया। एंड उसके बाद 1999 की सेल में उसके बाद भी मुझे 250 का कूपन कोड लग गया, तो ये सारा का सारा सामान मुझे 1700 में मिला है, तो बहुत सारा सामान है। तो थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, बट वेट द फ्रॉड एंड लेट क्विकली गेट इट स्टार्टेड। तो खोलते हैं अपना पिटारा, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एक प्रोडक्ट है जो प्लम का नहीं है, बट आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस ऑल्सो, एंड ये है पिक्सी का पोमेग्रेनेट पीलिंग सोल्यूशन। तो पीलिंग सोल्यूशन मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करे हैं, मैंने मिनिमलिस्ट का भी यूज़ करा है, पिलग्रिम का भी करा है, पिलग्रिम का बहुत अच्छा है, मिनिमलिस्ट का भी रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्श लगा, मतलब जैसे लगाओ तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन सी होती है उससे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ट्राई कराई ये प्लिक्स ब्रांड है, जो प्लिक्स का पोमेग्रेनेट पीलिंग सोल्यूशन, तो ये काफ़ी अच्छा पीलिंग सोल्यूशन है, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है एंड काफ़ी माइल्ड है आपकी स्किन पे, एंड इसमें 25% AHA, 2% BHA एंड 5% PHA अवेलेबल है, एंड इसमें आपको एक्सपोलिएटिंग फेशियल ग्लो प्रोवाइड करता है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अगर आप किसी भी पीलिंग सोल्यूशन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हमारे प्लम का सारा का सारा सामान। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उनके परफ्यूम से। मुझे इनमें 5 टाइप के परफ्यूम मिले हैं, 1, 2, 3, 4 सारे आएंगे मेरे हाथ में, तो 5 कैसे दिखाऊंगी, ये है 5 ऐसे दिखाती हूँ, तो ये 2 ये है एंड राजा भाई ये 3 और ये 4 और एक हमारा गिर गया नीचे, तो ये 5। तो फर्स्ट है ऑर्चिड यू नॉट, तो ये काफ़ी नया है बट मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता इसकी फ्रेग्रेंस कैसी होगी। एंड उसके बाद है ट्रिमिन मोसोन एंड वेनेला वाइब, आई ऑलरेडी ट्राइड, काफ़ी अच्छा है हवाई रूम्बा। तो इसमें से एक मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, लेट मी ओपन दिस। ओ भाई आ जा, तो ये ऐसी कुछ पैकेजिंग में मिलेंगे आपको सारे परफ्यूम्स, और ये परफ्यूम्स है नॉट बॉडी मिस्ट, ये परफ्यूम है एंड इन सभी की फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने सारे खोल के, ओह भाई साहब बहुत ही अच्छी है, मतलब प्लम जो अपने प्रोडक्ट बनाता है ना उनकी फ्रेग्रेंसेस में तो ऐसी जान डालता है ना कि मतलब पागल हो जाओ तुम उनके पीछे। और हवाई रुम्बा तो आई ऑलरेडी ट्राइड, हवाई रुम्बा का हैंड क्रीम, हवाई रुम्बा का कैंडल, हवाई रुम्बा का बॉडी वॉश, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने ट्राई कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो और उसके साथ जो ये फ्रीबी में मुझे एक प्रोडक्ट मिला है जिसमें कि आपको फोमो फैन ऑफ मिस्टिंग आउट, इसमें ना 3 तरह के वेनेला वाइब, एक है स्मोकिंग वनीला, एवरीथिंग प्लम, हाँ ये 3 ना छोटे छोटे से मिलेंगे, तो इनको आप ट्रैवलिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो अपने। उसके बाद मुझे मिला है क्लियर एंड ब्राइट स्किन डियो, ये मैंने मंगवाया, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट है वो ऑर्डर किए हैं और उसके साथ छोटे छोटे प्रोडक्ट है वो फ्रीबीज में आया है, क्लियर एंड ब्राइट स्किन डुओ ग्रीन टी एंड नाइट जेल और 2% नियासिनमाइड हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन। तो इसमें हमें 2 प्रोडक्ट मिले हैं, तो एक तो है ये
सनस्क्रीन प्लम का, जिसमें कि नियासिनमाइड वाला इंग्रेडिएंट है, एंड एक है ये रिन्यू क्लेरिटी नाइट जेल ग्रीन टी वाला, तो ये एक नाइट जेल है और ये एक सनस्क्रीन है। और ये एनिमल प्लम के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो एनिमल फ्री टेस्टिंग होते हैं, मतलब एनिमल्स पे टेस्ट नहीं किए जाते हैं। उसके बाद है एक ये फ्रीबी में शावर जेल हवाई रुम्बा का, जो कि मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये मेरे काम आ जाएगा। जो फ्रीबी वाले छोटे छोटे प्रोडक्ट आते हैं इन सभी को मैं अपने ट्रैवलिंग के लिए रख लेती हूँ। एंड उसके बाद है ये हवाई रुम्बा की हैंड क्रीम, तो ऑब्वियसली हवाई रुम्बा फ्लेवर मेरा शुरू से ही बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो इसकी मतलब सारी चीज़ें, इवन प्लम की मैंने अब तक जितनी भी फ्रेग्रेंसेस जितने प्रोडक्ट यूज़ करे हैं सभी की फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। एंड उसके बाद ये भी उसी का पार्ट है परफ्यूम का ही, एवरीथिंग प्लम, मतलब प्लम की जितने भी परफ्यूम है 5 to 6 वेरियंट है, सभी के सभी आज के टाइम में मेरे पास हैं। एक तो मेरी हमारा ठीक है। एंड उसके बाद है लिप बाम कैंडी, दो आई हैं, मैंने दो लिए हैं, कैंडी कैंडी मेल्ट एंड कैडी मेल्ट, इन दोनों का नाम कैंडी मेल्ट ही है क्या? हाँ, एक का नाम है लिप बाम है ये, इस तरह की टब पैकेजिंग में आएगी, और ओ माय गॉड लिटरली बेरीज की फ्रेग्रेंस आ रही है इसमें से, ओह एंड हाँ हल्की सी टिंटेड भी है, हल्की सी टिंटेड है, पर लिटरली इसका नाम है बेरी फिश, तो लिटरली इसमें से बेरीज की ही फ्रेग्रेंस आ रही है। एंड दूसरी का नाम है रेड वेलवेट लव, तो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, कुछ ऐसी पैकेजिंग में होंगी ये। उसके बाद है एक लिप शेड, ये भी मुझे फ्रीबी में ही आया है, मैंने नहीं लिया है, तो ये लिप शेड है 127 रस्क बेरी रश। आ गई, पता नहीं यार, तो ये शेड है कुछ काफ़ी ज़्यादा ब्राइट शेड है, आई लिटरली दिस इज़ नॉट माई चॉइस, बट ये फ्रीबीज में आया है, बट हाँ मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ कि मैं लिप शेड लगा के ऊपर से इसको कंसीलर से इसको थोड़ा लाइट शेड दे सकती हूँ, नो इश्यूज। एंड उसके बाद मैंने जो मंगाया था राइस वाटर एंड नियान सीमेंट सीरम क्लैरिटी बूस्ट एंड फ्रेग्रेंस भी है, तो ये रहा वो सीरम, इसकी कुछ ऐसी पैकेजिंग है। जो बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं वो सारे ऑर्डर किए हुए हैं, बट आई थिंक 1700 में इतने सारे प्रोडक्ट मिलना इज़ अ ग्रेट डील। एंड उसके बाद ये भी मैंने ही मंगवाया है प्लम का टच एंड गो लिप एंड चिक टेंट, मैंने पहले भी यूज़ किया है, एक पहले भी है मेरे पास, अभी मेरे वार्डरोब में होगा, बट इनके लिप एंड चिक टेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। एंड ये वाला इस पर मैंने मंगाया है 127 राइट मूव शेड में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हाइड्रेटिंग है एंड लिप एंड चिक टिंट अभी मैंने यूज़ किया हुआ है, वो कोई और शेड है, ये कोई और शेड है। उसके बाद एक ये वाली फ्रेग्रेंस है जो मैंने बॉडी मिस्ट है, ओ माय गॉड लिटरली, मतलब ऑर्चिड यू नॉट नाम है इसका बॉडी मिस्ट का, बट मतलब इनकी फ्रेग्रेंसेस इतनी ज़्यादा अच्छी हैं ना, इतनी ज़्यादा अच्छी है, मतलब सुकून, हाँ सुकून मिल जाता है इनकी फ्रेग्रेंसेस को ट्राई करने पे। एंड उसके बाद एक ये कुछ चीज़ आई है, आई डोंट नो ये क्या है, फॉर गाइस हु लव इट अप सोशल, पता नहीं क्या है ये, कुछ परफ्यूम टाइप ही है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या है, इनकी फ्रेग्रेंस मुझे इतनी अच्छी भी नहीं लगी, और ये प्लम का है भी नहीं है, पता नहीं कौन से ब्रांड का है, इसके साथ में ही है इसके अंदर ही। सो ये था प्लम का एक हॉल जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, एंड गाइस यू हैव टू बिलीव दिस कि प्लम के आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, फ्रेग्रेंसेस तो इतनी ज़्यादा, मतलब बॉडी एंड बाथ में अगर आप यूज़ कर रहे हो बॉडी मिस्ट फ्रेग्रेंसेस, बॉडी वॉश या हैंड क्रीम सीरम्स वगैरह टोनर कुछ भी यूज़ कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। एंड फ्रेग्रेंसेस तो इनके लिटरली, अभी मैंने जो लास्ट वाली कंज्यूम करी है, मतलब यहाँ
दिल की खुशी मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये था प्लम का एक हॉल जो कि मैंने सारी इकट्ठी चीज़ मंगवाई है, तो आई वॉन्ट टू शेयर दैट ऑल विद यू। एंड इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली दे दूँगी, आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो आप वहाँ पर जाके परचेज कर सकते हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आई एम मान्या शर्मा, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। एंड अगर आप पहले से मेरी वीडियोज़ देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर एंड कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।